फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा भी जीव है अगर जिसकी गर्दन कट जाती है तो भी वो एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह सकता है। यस फ्रेंड्स, एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह सकता है। और फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि एक ऐसा भी गांव है जो आसमानों के ऊपर स्थित है, आसमानों के ऊपर। यस फ्रेंड्स, जन्नत नहीं है ये कोई, ये एक गांव है जो कि धरती पर ही मौजूद है। और फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि पानी में नमक डालने पर उसका स्तर घट जाता है, ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं पता है आपको ये बातें तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। फ्रेंड्स फैक्ट नंबर वन, फ्रेंड्स कुछ धातु ऐसे होते हैं अगर जिन्हें हम पानी में घोल दें तो उनमें विस्फोट हो जाता है। यस फ्रेंड्स, अगर उन्हें हम पानी में घोल देते हैं तो उनमें विस्फोट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी पानी के कॉन्टेक्ट में आने पर ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम और भी कई सारी धातुएं आती हैं। यस फ्रेंड्स, अगर इन्हें हम पानी में घोल देते हैं तो ये बहुत जल्दी ही ऑक्सीडाइज होती हैं, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती हैं जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है। और इनके इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाने के कारण ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से हमें नहीं मिल पाती हैं। यस फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर टू, फ्रेंड्स अगर हम एक ग्लास पानी में एक मुट्ठी नमक को घोल देते हैं, यस फ्रेंड्स एक मुट्ठी नमक को अगर हम एक ग्लास पानी में घोल देते हैं तो उस पानी का स्तर कम हो जाता है, वो भी 2% से कम होता है इसका स्तर। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो पानी वो आयोनाइज हो जाता है, वहां पर आयन प्रेजेंट हो जाते हैं, और जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे हमारे वाटर के जो कि इतने अच्छे से स्टेबल नहीं थे और अरेंज नहीं थे, वो इसी आयन के आसपास और अच्छे से अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम 2% से घट जाता है। यस फ्रेंड्स, फ्रेंड नंबर थ्री, फ्रेंड्स एक ऐसा भी गांव है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है। यस फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गांव बादलों के ऊपर स्थित है। यस फ्रेंड्स, बादलों के ऊपर स्थित है, यानी कि इसका सीन बिल्कुल हेवन जैसा होगा, यानी कि जन्नत जैसा। फ्रेंड्स ये गांव हमारा यमन देश की राजधानी सना में पड़ता है। यस फ्रेंड्स, यमन देश की राजधानी सना के पश्चिम में पड़ता है। यस फ्रेंड्स, और फैक्ट नंबर फोर, फ्रेंड जब हम सोते हैं तो हमें किसी भी चीज का स्मेल नहीं पता चलता है। और फ्रेंड्स इसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमारी ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करा गया। उसमें 3 आदमियों और 3 औरतों को रखा गया और जिनके पास काफी अच्छी डिशेस रखी गई, जिनकी काफी स्मेल आ रही थी, लेकिन वो सो रहे थे, उन्हें वो नहीं जगे। लेकिन जब उन्हें अचानक से एक झटकेदार आवाज से जगाया गया तो वो तुरंत ही जग गए। फ्रेंड्स इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि हाँ, जब हम सोते हैं तो हमें किसी भी चीज की स्मेल नहीं पता चलती है। फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि हमें सोते समय स्मेल पता चलती है? अगर लगता है तो हमें कमेंट में बताएं। नंबर फाइव, फ्रेंड्स क्या आपको ये चीज पता थी कि बिजली क्यों कड़कती है? अगर नहीं पता है तो मैं यह बात आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स बिजली इसलिए कड़कती है क्योंकि जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो बादलों में छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो उसमें कुछ चार्ज डेवलप होता है। यस फ्रेंड, उनमें कुछ आवेश डेवलप होता है, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो कुछ पे निगेटिव। और फ्रेंड जब ये चार्ज डेवलप हो जाता है तो जब पॉजिटिव चार्ज वाले बादल और निगेटिव चार्ज वाले बादल दोनों आसपास में आते हैं तो इनमें काफी ज्यादा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। और हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के कारण, यस फ्रेंड्स हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के कारण एयर में भी करंट पास होने लगता है, जिसकी वजह से जब वो आपस में मिलते हैं और वहां पर जब इसकी वजह से एयर में भी करंट पास होने लगता है, जिसकी वजह से बादल अचानक से दूर दूर जाते हैं, एयर अचानक से दूर होती है और अचानक से दूर होने के कारण वहां पर एक तेजी सी आवाज होती है और इसी आवाज के साथ एक हमें बिजली दिखाई देती है। जो हमें लाइटनिंग होती है वो हमें एक रेखा के रूप में दिखाई देती है जिसे हम बिजली कहते हैं, और इसकी आवाज जो होती है उसी को हम लोग बिजली का कड़कना कहते हैं। यस फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर सिक्स, फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर खड़े हैं और आपके बाल खड़े हो जाते हैं, यस फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर खड़े हैं और आपके बाल खड़े हो जाते हैं तो आप तुरंत ही वहां से भाग लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये जान लीजिए क्योंकि वहां पर बिजली गिरने वाली है। यस फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो तुरंत ही वहां से भाग जाइएगा वरना आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। फैक्ट नंबर सेवन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेंड्स हमारा कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जिसकी अगर गर्दन काट दी जाए
तो भी वो एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह जाएगा। फ्रेंड्स ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यस फ्रेंड्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रेंड्स इस वजह से उसके शरीर पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को लेता और छोड़ता है, और इस वजह से जब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर से ही ले लेता और छोड़ देता है इसलिए उसे नाक और उसके सिर की कोई जरूरत नहीं होती है और फ्रेंड्स नहीं होती है। और फ्रेंड्स उसकी मृत्यु भी इस वजह से होती है क्योंकि वो पानी नहीं पी पाता है, और उसकी मृत्यु प्यास के कारण होती है ना कि ऑक्सीजन को ना ले पाने के कारण। फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये अनोखे तथ्य? अगर आपको इनमें से एक भी कुछ नया सीखने को मिला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।